नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहां स्वागत तो होने वाला है साल 2023 का और जाने वाला है साल 2022, जो कुछ खट्टी मीठी यादें देके जा रहा है। यादें ऐसी कि शायद उनको कुछ याद रखना भी चाहेंगे तो कुछ भुलाना भी चाहेंगे। अगर बात करें शुरुआत की, 2022 की सबसे पहले शुरुआत हुई थी, वो हुई थी कोरोना से, यानी कि कोरोना का तीसरी लहर और वेरिएंट था ओमिक्रॉन। लोग संक्रमित हुए, आंकड़े आए, पर शायद भारत के जो निवासी हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी बेहतर हो गई थी कि जो मृत्यु दर थी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई। तो संघर्ष किया, उसी संघर्ष के बीच में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और परिणाम ऐसे कि कांग्रेस को जहां नुकसान हुआ तो बीजेपी यहां पर जीत कर आई। और इस जगह जीत तो ऐसी रही कि 37 साल बाद ऐसा मिथक तोड़ा कि दोबारा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और योगी ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो यहां पर जो क्रियाशीलता थी बड़ी महत्वपूर्ण थी। तो वहीं विपक्ष के रूप में अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राजद, RLD, बसपा समेत तमाम दल केवल देखने को लगे तो लगभग 6 महीने केवल ट्वीट की राजनीति करते नजर आए। पर हाँ, जैसे ही मानसून सत्र शुरू हुआ वैसे ही बरसात की तरह और पानी की तरह और बादल की तरह इनको भी पंख लगे और गरजने लगे हमारे विपक्षी दल भी। इस बीच में चुनाव भी हुए और चुनाव के परिणाम भी आए। आजमगढ़ का चुनाव, लोकसभा का, रामपुर का लोकसभा चुनाव, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत कर ये दिखा दिया कि अगर मेहनत कहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं बदलाव कर सकते हैं। तो वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पर हाल में ही मैनपुरी, रामपुर, खतौली में उपचुनाव हुए जिसको लेकर लगातार प्रतिक्रिया चलती रही और प्रतिक्रियाओं के साथ चलती रही आरोप प्रत्यारोप के दौर। और जहाँ बीजेपी एक तरफ मैनपुरी समेत तीनों सीटों जीतने का दम भरती रही तो परिणाम ऐसे आए कि एक बार फिर स्पष्ट हो गया कि जहां जिसकी परंपरागत सीट रहती है उसको जल्दी नहीं हिलाया जा सकता है। और परिणाम सबके सामने आए कि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के पुरोधा और पूर्व रक्षा मंत्री, 4 बार के मुख्यमंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव की जो विरासती सीट थी वहां पर उनकी पुत्र वधु यानी डिम्पल यादव, कन्नौज की पूर्व सांसद, ने वहां पर जीत दर्ज की। और खतौली में भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी का चक्र टूटा और विक्रम सैनी जो 2022 में जीत कर आए थे उनकी पत्नी को यहाँ पर टिकट मिला था उपचुनाव में, वो यहाँ पर हार गई और रालोद और सपा के संयुक्त प्रत्याशी मदन भैया ने यहाँ पर जीत दर्ज की। तो रामपुर में इस बार चमत्कार नहीं हुआ और जो रामपुर परंपरागत सीट मानी जाती है समाजवादी पार्टी की, वहाँ पर आशीष सक्सेना ने जीत दर्ज करके दिखा दिया कि अब शायद रामपुर में आजम खां का जोर शोर नहीं रहा और वहाँ पर बदलाव हो चुका है। इसके अलावा तमाम तरह की धार्मिक राजनीति भी चर्चा में रही, ज्ञानवापी मुद्दा रहा और 1993 से यहाँ पर मुद्दा लगातार चल रहा था और मुद्दों के चलते लगातार राजनीति सक्रिय रही और विवाद इतना बड़ा कि पत्थरबाजी भी हुई और तमाम तरह के बयानबाजी हुई कि लोगों का निष्कासन भी हुआ और कहा गया कि धार्मिक मुद्दे तो है पर वहाँ पर धार्मिक मुद्दों पर इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और इस साल के अंत तक एक ही मामला और चर्चा में रहा, वो है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। 7 सितंबर को शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लगभग शतक पूरा हो चुका है दिनों का और शतक पूरा होने के बाद अभी यात्रा स्थगित है और 3 जनवरी से यात्रा देश की सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की धरा पर आगमन करेगी। और आगमन का बिगुल ऐसा फूका कि सलमान खुर्शीद ने यहाँ पर राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर डाली, कांग्रेस को कार्यकर्ताओं को भरत बता डाला। तो स्थिति ऐसी रही कि चर्चाएं बनी रही पर इन चर्चाओं पर हम जैसे खबरन बीच की जिम्मेदारी भी है कि समीक्षा बहुत जरूरी है। इस समीक्षा करेंगे 2022 की कि क्या रहा, किसके लिए कितना बेहतर रहा, किसने यहाँ पर कितना बेहतर किया और कितना बेहतर यहाँ पर परिणाम मिला,
यादें कुछ खट्टी है कुछ मीठी भी है, तो कुछ सबक भी हम लोगों को मिले होंगे, और इन सबक के साथ इन अनुभव के साथ आज की चर्चा को मैं शुरू करता हूँ। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको जरूर करा दूँ। यहाँ पर रफी अहमद भाई भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, अजय चंद्र चौबे कांग्रेस पार्टी के फायर बंद प्रवक्ता बहुत समय बाद यहाँ पर आए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के रूप में यहाँ पर आमिर साबरी भाई अपना पक्ष रखेंगे, अंकुर सक्सेना भाई राष्ट्रीय लोकदल से अपना पक्ष रखेंगे और विवेक पांडे समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल तो हमारा रहेगा रफी भाई से। रफी भाई, जीत भी मिली है आखिरी में, एक सीट पर दो सीट पर हार भी मिली है, और ये जो साल रहा ये मिला जुला रहा, क्योंकि आप हिमाचल हार गए, गुजरात में जीत दर्ज की बड़ी निश्चित रूप से, 99 सीट से 157 सीट पर पहुंचे, तो कहीं यहाँ पर MCD भी दिल्ली में हार गए, तो ये साल आपके लिए कुछ बेहतर भी रहा तो कुछ कड़वी यादें देखे भी जा रहा है। सबक क्या लिया और क्या सोचते हैं इस पूरे साल की प्रतिक्रियाओं को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जी पूरे भारत में सबका साथ सबके विकास के एजेंडे पर काम कर रही है जी, और डबल इंजन की सरकार माननीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जी केंद्र की और उत्तर प्रदेश की योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचा रही है जी। इससे पहले जो स्थिति उत्तर प्रदेश की हुआ करती थी उस स्थिति को इतना बेहतर कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश को भयमुक्त उत्तर प्रदेश बना दिया है। अच्छा। और जिस तरह से इत्र के व्यापारी उत्तर प्रदेश में राज करते थे सपा कांग्रेस बसपा के दौर में, या जिस तरीके से भूमाफिया मंच संचालन करते थे, मंत्रिमंडल में शामिल होते थे, सड़क पे कोई योजनाएं नहीं पहुंचती थी, सारी योजनाओं का लाभ इनके महलों में पहुंचता था। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी महलों पहुंचता, समझ नहीं, महलों पहुंचता, महलों में पहुंचता था। अच्छा। तो बहु बेटियां बात कर रहे हैं आप, जो जितने भी भूमाफिया मंत्री रहे हैं अच्छा। इन लोगों की सरकार में अच्छा। इनके महलों में पहुंचता था, सड़क पे योजनाओं बिल्कुल नहीं पहुंचती थी, और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने जमीनी स्तर पे योजनाओं को पहुंचाया, भयमुक्त उत्तर प्रदेश दिया, इत्र वाले व्यापारियों से जो इत्र वाले व्यापारियों ने पैसा इकट्ठा किया था वो सब जनता के सामने आ गया, बुलडोजर अपना काम उत्तर प्रदेश में तेजी से कर रहा है, तो इसीलिए हमने भयमुक्त उत्तर प्रदेश दिया है। अच्छा। योजनाओं को उत्तर प्रदेश में लागू किया है, और जिस तरह से 2012 में उपचुनाव हुआ था, जो चुनाव की आपने बात कही, उपचुनाव हमारी सरकार में भी हुआ है, तो जिस तरह से 2012 में सपा के कार्यकाल में जो उपचुनाव हुआ था तो श्रीमती डिंपल यादव को निर्विरोध निर्वाचित करने का काम सपा ने किया था, तो उन्होंने ये दिखा दिया था कि किस तरीके से हम बूथ लूट सकते हैं, किस तरीके से हम कब्जा कर सकते हैं, और किस तरीके से निर्विरोध श्रीमती डिंपल यादव को जिता सकते हैं। यही उपचुनाव हमारी सरकार में हुआ, ईमानदारी के साथ चुनाव हुआ है। जो समाजवादी का किला कहलाया करता था, खासाब का किला कहलाया करता था, आज उसी समाज को, जिस समाज को हम योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, उसी सरकार ने, उसी समाज के वर्ग ने रामपुर का किला ढा दिया और हमने इतिहास रचा। हार भी गए, ये तो सर ये बिल्कुल याद है हमें, जहां जहां हम हारे हैं उसकी समीक्षा हो रही है, बारीकी से काम हो रहा है, कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, आने वाले परिणाम अच्छे होंगे। ठीक है विवेक भाई, भाई आपके लिए भी साल मिला जुला रहा, भाई चुनाव के बाद तो बिल्कुल शांति हो गई थी, पर मानसून सत्र आते ही शायद कुछ कंपन हुआ, और कंपन ऐसा हुआ कि फिलहाल अब लगातार सक्रियता यहाँ पर समाजवादी पार्टी की बनी हुई है, जो मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, और मैनपुरी जीत से और यहाँ पर जो जुड़ाव हुआ है प्रसपा के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव का आपकी पार्टी के साथ विलय भी हो चुका है, चाचा भतीजे का यह मिलाप हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अब शायद कुछ साल का अंत कुछ खुशी दे के जा रहा है, और शायद खुशी आने वाले निकाय चुनाव में 24 के लिए भी संजीवनी का काम करेगी, कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है यहाँ पर खतौली जीत से और मैनपुरी जीत से। किस तरह देखते साल को, क्या अनुभव लिया, और अन्य पार्टियों की क्या स्थिति रही आपके नजरिए से? देखिए, पहले तो पूरे मंच को सविनय प्रणाम करते हुए उपस्थित पैंडों को अनुमोदन करता हूँ, नमन करता हूँ, और अपनी बातों को अभिव्यक्ति रखने के लिए सभी से निवेदन करता हूँ। जी देखिए, पहले तो बहुत ही दुखद दिन है, आदरणीय मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है उनकी माता जी के देहावसान पे समाजवादी पार्टी की तरफ से व्यक्तिगत रूप से मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ इस पूरे मंच के माध्यम से आपके, और ईश्वर उनको इस समय पूरे परिवार को आत्मबल दे इस दुख को सहने का, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो कहीं ना कहीं ये क्षति पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। और
कहीं ना कहीं देखिए जो पिछला वर्ष है, इस वर्ष की बात हो गई, योगी सरकार के दावे जो हैं कागजों पे पहले कार्यकाल में भी चले, हमने देखे, आपने देखे, मीडिया ने देखा, देश ने देखा। सबसे बड़ी बात है धरातल पे क्या मिलता है। एक छोटा सा आंकड़ा पहले रख देता हूँ क्योंकि अभी ओपनिंग है, सभी को मौका मिल जाए तो दूसरे स्तर पे फिर मैं पूरे डेटा देता हूँ। लेकिन 2017 में जब सरकार आई थी 2.4% बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में देखी गई, जो कि बाकायदा पीएमआई की आंकड़े थे। अच्छा। लेकिन 2022 में वही बेरोजगारी दर जो है 2% से बढ़ करके 2.8% पे आ जाती है गौरव भाई जी। और ये कहीं ना कहीं योगी सरकार की उपलब्धि है कि कागजी आंकड़ों में अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए झूठे आंकड़े पेश करने की दिशा में लगातार युवा बेरोजगारों ने लाठी खाई, लगातार युवा बेरोजगार अपमानित होते रहे। अभ्यर्थियों के साथ इस सरकार का यह रवैया रहा कि शायद कोई एक परीक्षा पहले कार्यकाल से अब तक ये निष्पक्ष रूप से ईमानदारी से करवा पाए हो। 2021 के यूपीएसआई भर्ती को लेकर के, जिसपे आज अमिताभ अग्निहोत्री जी ने भी एक चैनल पे अपने डिबेट और वो किया था कार्यक्रम, उस भर्ती पे किसी भाजपा के नेता के आवाज नहीं निकल रही है, अधिकारी मौन है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार जिसमें कि कई लोग नामजद हो गए, कई इंस्टीट्यूट जो है नामजद हो गए, कई लोगों के ऊपर 68 से ज्यादा FIR दर्ज हो गए जिसमें सबको नामजद किया गया। और ये उत्तर प्रदेश के अध्याय में सबसे बड़ा यूपीएसआई का भ्रष्टाचार जिसमें सरकार मौन है, जिसमें 15 लाख से पकड़े। लेकिन ऐसे बड़े भ्रष्टाचार को एक काले अध्याय को कारित करने के बाद भी अगर ये सरकार उपलब्धि दिखा रही है तो ये तो अपने आप में आश्चर्यजनक है। जिनका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको भी नामजद करना चाहिए कि यूपीएसआई 2021 की भर्ती अच्छा। इस योगी सरकार की सबसे बड़ी काले अध्याय वाली भर्ती है अच्छा। जिसपे लगातार एसटीएफ जैसी संस्थाओं ने पकड़ा, गलती को पकड़ा, अपराधियों को पकड़ा, लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। अच्छा। अब तो बच्चे ट्रेनिंग पे जाएंगे, जब वो ट्रेनिंग कर लेंगे उनका लोकस क्रिएट हो जाएगा और फिर ये न्यायालय में मामला अटक जाएगा। अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं बधाई के पात्र है क्योंकि इस वजह से युवा अभ्यर्थी जितने भी थे, बेरोजगार अभ्यर्थी जितने, सबके अंदर एक संदेश चला गया कि योगी सरकार की निष्पक्षता, जीरो टॉलरेंस की नीति जीरो पे सिमट गई है। वो कितने जीरो है ये तो अधिकारी बताए या वो नेता बताए जिन्होंने वो जीरो जिनको प्राप्त हुए होंगे 15 लाख से 50 लाख 25 लाख 35 लाख का जो रेट चला है जातियों के हिसाब से। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल उपलब्धि कारक वर्ष रहा है। योगी जी ने कहा था गड्ढे भरने की बात की थी, आप कल अपने किसी को भेज करके स्पीक करवा लीजिएगा, कैसरबाग बगल में ही है जहाँ पे सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है लखनऊ की। अच्छा। गड्ढों की स्थिति देख लीजिए, वही कलेक्ट्रेट भी है, डीएम साहब भी बैठते हैं, उस रोड का जरा मुआयना करवा लीजिएगा। अच्छा। मुझे लगता है कि उससे ज्यादा स्पष्ट स्थिति का मैं वर्णन और बखान करूँ शब्द का बढ़ जाएंगे। विवेक भाई थोड़ा सा सबसे बड़ी बात सपा की भी बता दीजिए जी, जी थोड़ी अपनी पार्टी की बता दीजिए क्या क्या उपलब्धियां रही। भाई देखिए हमारी पार्टी के लिए तो सबसे बड़ा वज्रपात हुआ है, हमारे आदरणीय नेताजी देहावसान जिनका हुआ था इसी कार्यकाल में, मतलब कार्यकाल का इसमें सरकार को तो मैं नहीं कर रहा लेकिन इस साल जो हुआ, साल में हुआ जी। ये तो समाजवादी पार्टी के कहीं कहीं बहुत बड़ा वज्रपात था, लेकिन जी कहीं ना कहीं एक हमारे लिए कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ पारिवारिक एक विद्वेष को सामाजिक रूप से दिखाने का प्रयास किया जा रहा था, आज आदरणीय चाचा जी हमारे लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, आदरणीय अखिलेश जी के लिए, पूरे समाजवादी कुनबे के लिए ढाल बनकर के खड़े हैं, जिनको कि अब यह हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। नीतिगत दृष्टि से देखा जाए तो द्वेषपूर्ण राजनीति का पूरा प्रमाण जीता जागता चरित्र अपने आप में एक द्वेषपूर्ण ग्रंथ भाजपा बनकर के सिमटती जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार के झगड़े के बीच जिस तरीके से पिछड़े वर्ग का आरक्षण मारा गया, अभी जो हाईकोर्ट ने 83-84 पेज का जजमेंट दिया उसमें भी आपने देखा किस तरह पंजीयत करा ली सरकार ने, और किस तरीके से निकाय चुनावों में 2017 का डेटा लेके चली गई जबकि 2021 में सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट है जिसके अनुसार ट्रिपल टेस्ट अनिवार्य है, लेकिन ये सरकार साबित कर चुकी है न ये संवैधानिक संस्थाओं को मानती है, न ये न्यायपालिका को मानती है, और न ही ये किसी भी तरह के अनुशासन को मानती है। असंवैधानिक रूप से फासीवादी मानसिकता से ये राज्य को संचालित करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, ठीक है। अंकुर जी भाई आप भी सहयोगी दल हैं और काफी समय बाद आपसे जुड़ा हो रहा है यहाँ पर। अंकुर भाई यहाँ पर किस तरह देखते हैं भाई, यहाँ पर आपको भी यहाँ पर जीत हासिल हुई है, मदन भैया आपके और सपा के संयुक्त प्रत्याशी थे, कहा जाए तो रालोट के ही प्रत्याशी थे, पर चूंकि सपा आपका गठबंधन दल है तो उसके साथ तो ऐसी बात
निश्चित रूप से कही जाएगी, पर कैसे देखते हैं इस साल को, कैसे देखते हैं और अन्य पार्टियों तुलना करें, अन्य पार्टियों के लिए भी आपकी क्या समीक्षा रहेगी और रालोद के लिए आपकी क्या समीक्षा रहेगी इस साल को लेकर? देखिए गौरव भैया, सबसे बड़ी बात ये है, ये आवाज आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है जी, हमारी आवाज रिफ्लेक्ट हो रही है, थोड़ा सा इसको सही करा जी, आवाज ठीक है तो भाई सबसे... जी बोलिए जी जी, आवाज वापस लौट रही है, इको हो रही है, आवाज ठीक की जाए अंकुर भाई की जी जी जी, ठीक है, अब सही है, अब पहले से बेटर है, पहले से बेटर है जी। हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर राष्ट्रीय लोकदल प्रवक्ता की हैसियत से मैं अपनी पार्टी के लिए देखता हूँ कि ये साल कैसा रहा है, तो निसंदेह हम लोगों के लिए ये साल आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक विपक्षी दल के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की राह रोकने का पूर्ण प्रयास किया और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव हुए हैं, उन चुनाव में भाजपा की राह को रोका है जी। आप देखिए, और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, हाल ही में प्रदेश उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद जब चुनाव हुए तो कतौली जैसी जगह पे जहाँ पे भाजपा के कैंडिडेट जीते थे उनको हम लोगों ने पहले सत्ता से हटवाया और बाद में उस सीट को भी राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में लाने में सफल रहे जी। अब सवाल है कि इस सफलता का हम आकलन कैसे करेंगे? देखिए, हम ये मानते हैं कि जब हमको सफलता प्राप्त होती है तो हमारी जिम्मेदारियां निरंतर बढ़ती चली जाती, क्यों? क्योंकि आम जनमानस की आशाएं भी हम लोगों पर बढ़ती चली जाती। अब उन आशाओं के अनुरूप प्रदर्शन करना और अपनी सफलता को में निरंतरता को वर्तमान रखना हमारे लिए 2023 में एक हमको आप कह लीजिए उत्तरोत्तर प्रगति के लिए ऊर्जावान बनाए रखेगा। अच्छा, हाल ही में आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा, आप देख रहे होंगे शायद आम जनमानस के बीच में ये बात पता है या नहीं पता मुझे नहीं पता, लेकिन आम जो किसान भाई हैं वो लोग इस चीजों से बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। अच्छा। और वो ये है कि पिछली बार विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 सितंबर को गन्ना मूल्यों की घोषणा कर दी थी। अच्छा। और इस साल अभी तक आज की तक उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना के मूल्यों की घोषणा नहीं की है। अच्छा। इसके अलावा हजारों करोड़ रुपया चीनी मिलों के ऊपर बकाया है, उसको भी सरकार के द्वारा देने में कोताही बरती जा रही है, उनका भी कोई रिलीजिंग चीनी मिलों के द्वारा नहीं किया जा रहा है और डे बाई डे उनपे लाखों करोड़ों रुपया पर डे का वो लोग इंटरेस्ट कमाकर आम किसान के मुंह से निवाला छीन रहे हैं। अच्छा। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने किसान संदेश अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को आईना दिखाने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत 1,00,000 किसानों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम हम लोग एक पत्र भेजेंगे, जिस पत्र में ये कहा जाएगा कि तत्काल गन्ना मूल्य का घोषणा की जाए और जो चीनी मिलों के ऊपर हमारा पैसा है बाकी वो वापस दिलाया जाए। अंकुर भाई, पत्री भेजेंगे या रोड पर भी आएंगे? देखिए गौरव भाई, अगर हम लोग रोड पे आने की बात नहीं है, हम लोग तो जनता के लिए लगातार संघर्ष कर ही रहे हैं, अगर जनता के लिए हम लोग संघर्ष ना कर रहे होते तो किसान आंदोलन में आप देखिए, जब किसान आंदोलन में टिकैत साहब के आंसू बहे थे तो हमारे राष्ट्रीय नेता चौधरी जैन सिंह जी, किसान आंदोलन खत्म हो गया, पश्चिमी किसान आंदोलन खत्म हो गया, बीते दिनों की बात है, 19 जनवरी को प्रधानमंत्री काले कानून वापस कर लिए थे, बोल रहे थे काले कानून बोल रहे थे। गौरव जी, चूंकि आप वर्षा पूरे वर्ष का अवलोकन कर रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है उस वर्ष में वो किसान आंदोलन जब वापस हुआ तो उसका भी उल्लेख करूं। बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, मेरी जिम्मेदारी बनती है, तभी मैं बात कह रहा हूँ। तो आपने जब ये कहा कि हम लोग सड़क पर संघर्ष के लिए आए, बिल्कुल आएंगे, हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी संघर्ष कर रहे हैं, गन्ना किसानों की सबसे बड़ी बैठक पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां पर भी संघर्ष कर रहे हैं। लेटर की बात कैसे मैंने कहा जी, आगे मैं वही बात पूरी कर रहा हूँ। हाँ। जब हम लोग ये लेटर्स दे रहे हैं, लेटर्स देने के बाद भी अगर सरकार के द्वारा कोई कान पे जू नहीं रहती है तो आप देखिएगा ये एक प्रारंभिक अवस्था और उसके सेकंड स्टेप सड़कों पर बाकायदा हम लोगों के द्वारा संघर्ष किया जाएगा और विधानसभा का घेराव किया जाएगा। व्यवस्था लाते रहे, ठीक है चौबे जी भाई। यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और अभी थोड़ा सा स्थगित हुई है कुछ समय के लिए, 3 जनवरी से उत्तर प्रदेश में शुरुआत करेगी, उसके बाद किस तरह देखते हैं यात्राओं को? और कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि कोरोना का भय दिखाकर हमारी यात्रा को बाधित किया जा रहा है, जो जनाधार राहुल गांधी को इस यात्रा के माध्यम से मिल रहा है, कांग्रेस को मिल रहा है, उस जनाधार से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और घबराहट के कारण वो इस तरह से यात्रा को अवरुद्ध कर रही है, किस तरह देखते हैं यात्राओं को? कांग्रेस के लिए बीता साल किस तरह रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो स्थिति बहुत खराब रही, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा लेके आई प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि चुनाव प्रभारी थी कांग्रेस की, और 40% महिला को सीट भी दी, पर सारे जो मामले वही रहे ढाक के 3 पार, और जो स्थिति है वो सबके सामने है। इसके अलावा गुजरात में भी आप हार गए,
दिल्ली में स्थिति आपको पता ही है। हाँ, एक जरूर चीज आपके पक्ष में हुई है, वो है हिमाचल में आप जीत गए हैं। ये जो व्यवस्था है, ये परिणाम आपके पक्ष में आए। किस तरह देखते हैं इस साल को और बाकी पार्टियों को, कैसा रहा बताइए? 2022 का साल जो है आज लगभग समाप्त होने वाला है, और सर्वप्रथम आज एक बहुत ही दुखद घटना रही, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जी। माता जी का स्वर्गवास हो गया जी। मैं उनकी माता जी के चरणों में जी अपने तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोटि कोटि पुष्प अर्पित समर्पित करता हूं जी। साथ ही ईश्वर से मंगल कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को साहस प्रदान करें कि वो खड़ा रह सके, अंदर से टूटे ना, क्योंकि उनके ऊपर से माँ का साया उठ चुका है। अच्छा। और साथ ही 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, विधानसभा चुनाव के पहले जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, ग्राम प्रधानी के चुनाव हुए थे, कोरोना उस समय अपने पीक पे था, और बहुत सारे शिक्षा मित्र और प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक हजारों की संख्या में काल कवलित हो गए थे, और माननीय उच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा था, और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सरकार के लिए चुनाव जरूरी है या जनता की जान बचाना। अच्छा। लेकिन तब तो सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंगा था, और जब भारतवर्ष में पहली बार कोरोना का आगमन हुआ तो उससे पहले हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को आगाह किया था कि ये महामारी आ रही है, और देश में इससे लड़ने के लिए 135 करोड़ के जनता को बचाए जाने के लिए प्रधानमंत्री जी कुछ करिए। लेकिन करोड़ के ऊपर है, प्रधानमंत्री जी तब ध्यान नहीं दे रहे थे, उपहास उड़ा रहे थे, नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। अभी भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी घबराए हुए हैं, प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा में अपार जन समर्थन। अच्छा। और देश के लोगों का जो स्नेह और प्यार माननीय राहुल गांधी जी को मिल रहा है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी के प्रति जो लगाव और झुकाव जनता का है, और निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी ने इस पद यात्रा के माध्यम से उनके अगर व्यक्तित्व को अगर कहीं तुलना किया जा सकता है तो निश्चित तौर पर वो हिंदुस्तान के दूसरे महात्मा गांधी के रूप में अवतार। भगवान राम की तुलना दे रहे थे आपके नेता सलमान खुर्शीद, तो उनको भगवान राम बताने लगे थे। देखे राहुल गांधी जी पे जो ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि इतना ये पैदल चल रहे हैं, टी शर्ट पे चल रहे हैं, तो आप देखिए भगवान राम एक बनवासी का जीवन। अच्छा। पैर में खड़ा चप्पल भी नहीं थे। अच्छा। ये ठंड रही होगी, गर्मी रही होगी, बरसात रही होगी जी। उन्होंने यात्रा तय किया था रावण राज के समाप्ति हेतु। अच्छा। और निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी भी भगवान श्री राम के आदर्श पे चलते हुए उनका अनुकरण करते हुए, और निश्चित तौर पे अगर सलमान खुर्शीद जी अगर राहुल गांधी जी में भगवान राम को अगर देखते हैं तो भगवान राम और विष्णु का कहना ही है कि मैं कणकड़ में हूँ, खम्भे में हूँ, दीवार में हूँ, हर व्यक्ति में हूँ। और निश्चित तौर पे मैं तो कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रश्न खड़ा कर रही है कि वो टी शर्ट में चल रहे हैं, कभी मीडिया के लोग टोकते हैं, इतनी ज्यादा ठंडी है। अरे बीजेपी का खड़ा कर रही है, आप के माननीय राहुल गांधी जी सिर्फ भगवान राम के अवतार नहीं है, टोक रही है, वो बाबा भोले शंकर के अवतार हैं। अच्छा। और निश्चित तौर पे इतनी ठंड में जनता के कल्याण के लिए शंकर भगवान ही हिमालय पर्वत पे जाके बैठ के तप कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे उस कश्मीर की कड़कड़ाती हुई ठंड की तरफ क्या बोल रहा है गांधी जी, बाबा भोले शंकर का अवतार जी, क्या बोल रहे हैं आप, सोच रहे हैं निश्चित तौर पे हिंदुस्तान में जो आज वैमनस्यता का विष भारतीय जनता पार्टी ने बो दिया है, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश उस वैमनस्यता की भावना से कराह रहा है। लोगों
में इतनी दुर्भावना भर दिया है, इतनी भर दिया दुर्भावना जनता पार्टी के लोगों ने। अच्छा। लोगों के बीच में मोहब्बत को खत्म कर दिया है। हाँ। तो उस भारत को जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी ने उस विष को अपने ऊपर पी लिया है। अच्छा। और निश्चित तौर पे हिंदुस्तान अगर कहीं किसी किसान को समस्या हुई हो, छात्र को समस्या हुई हो, छात्र को समस्या हुई हो, किसान को समस्या हुई हो, महिला को समस्या हुई हो, अच्छा। कहीं किसी पे जुर्म और अत्याचार हुआ हो, हाँ। तो जैसे भगवान कृष्ण द्रौपदी के बुलाए पे फौरन भाग जाते थे उनकी मदद करने, मैं तो कहता हूँ मुझे तो राहुल गांधी जी में भगवान कृष्ण के भी अवतार दिखाई देते हैं। अच्छा। वो उसी तरह आम जनता और गरीब जनता और किसानों के बीच में उनकी मदद फौरन उपस्थित हो जाए। दर्शन हो गए, सारे दर्शन हो गए। ठीक है ठीक है आमिर भाई, भाई राजनीति यही बची है हिंदुस्तान की। यहाँ संघर्ष करना कोई नहीं चाहता है। अगर यात्रा निकाल रहे हैं तो वहाँ पर बता रहे हैं लोगों के लिए जाते हैं, तो शायद कुछ हालत छत्तीसगढ़ की भी देख लें और कुछ हालत राजस्थान की देख लें, क्या स्थिति है। आंकड़े मेरे सामने हैं, कुछ चीज़ छुपा रही है। बृहस्पति के रूप में कैसे देखते हैं सभी पार्टियों की 24 जी पे आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया गौरव जी कि आपने इस चर्चा में शामिल किया। देखिए 24 जनवरी में शुरुआत हुई थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रफी अहमद साहब से जी। उन्होंने कहा कि भयमुख समाज जी और जिस तरीके से कानून का राज है। हाँ। तो गौरव जी थोड़ी सी मैं इसमें दो बातें करना ये चाहूँगा। पूरे प्रदेश छोड़ दिए, सिर्फ इसी राजधानी लखनऊ में देख लिए, तमाम थाने सिर्फ मुखबिर और दलाल चला रहे हैं। अच्छा। ये भयमुख समाज नहीं बल्कि ये सरकार का आतंक है। अच्छा। ये पुलिसिया आतंक है जिससे अपराधी, क्योंकि थाने जब चलाएंगे तो अपराध करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। शरीफ आदमी इसमें पिस रहा है। अच्छा। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ गौरव जी, ये आप चूंकि खुद जर्नलिस्ट हैं, एक चैनल चला रहे हैं, आप खुद सर्वे करा लीजिए कि तमाम थानों पे मुखबिर और दलाल बैठे हुए राज कर रहे हैं और वो स्वयं में अपराधी भी है, ऐसा नहीं है, मेरे पास बहुत लंबा रिकॉर्ड है और ये सच्चाई आपको पता भी चल जाएगी। बहरहाल भय मुक्त समाज की बात करी, कांग्रेस मुक्त की बात करी, तो कांग्रेस मुक्त करते करते देखिए देश मेरा रोजगार मुक्त हो गया, देश मेरा स्वास्थ्य मुक्त हो गया। अच्छा। देश मेरा भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, शिष्टाचार मुक्त हो गया। अच्छा। कि आप भ्रष्टाचार तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा, भ्रष्टाचार का शब्द का नाम लेने ही गुनाह है। अच्छा। शिष्टाचार जब तक आप ना निभाए किसी ऑफिस में कोई काम नहीं हो सकता। शिष्टाचार हो गया, जहाँ तक हमारे 24 जी पर आप बात कर रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता जी फरमा रहे थे कि मैं राहुल गांधी में शंकर भोले का अवतार देख रहा हूँ या श्री कृष्ण जी का अवतार देख रहा हूँ। देखिए ये कोई खास बात इसलिए नहीं हो सकती है कि मिसालें दी जा सकती हैं, मिसालें पुराणों में, मिसालें कुरान में है, तो मिसाल तो दी जा सकती है कि अब ये थोड़ी कहा इन्होंने श्री कृष्ण जी हो गए हैं या भोले शंकर जी हो गए हैं या जैसे सलमान खुर्शीद ने कहा है कि वो श्री राम के अवतार हो गए, तो ये कोई बहुत कोई बुरी बात भी नहीं है। जब इस देश के अंदर मोदी जी को भगवान कहा जा सकता है और तमाम मोदी जी के कैबिनेट मंत्री ने कहा है, तो इन्होंने तो अवतार ही कहा, छोटा सा भी ये गुनाह तो नहीं है, लेकिन गुनाह वो है कि मोदी जी को भगवान कह दिया गया। मोदी जी भगवान नहीं हो सकते, भगवान का मतलब ही बहुत बड़ा मामला हो गया। अच्छा। लेकिन भगवान का अवतार होना ये दूसरी चीज है। इन्होंने ये कहा है 24 जिन या सलमान साहब ने जो भी कहा है वो क्लियर है कि अवतार हैं। अवतार का मतलब दूत हो गए। अच्छा। मैं आपका वारिस हो सकता हूँ, मैं फॉलोअर हो सकता हूँ आपका या अवतार हो सकता हूँ, ये एक अलग बात हो गई। लेकिन डायरेक्ट मुझे कह देना कि मैं गौरव श्रीवास्तव हो गया हूँ तो ये तो गुनाह हो जाएगा गौरव जी, ये तो आप समझ सकते हैं। तीसरी बात, अब आ जाइए सपा प्रवक्ता के ऊपर या सपा का जो घर में पंचायत हो गई है। देखिए ये 2022 में भी हुआ था। अच्छा। चुनाव से पहले। अच्छा। लेकिन चुनाव बाद फिर वही ढाक के 3-5 वो अलग अपना पश्चिम जा रहे थे, वो उत्तर जा रहे थे। अच्छा। ये स्थिति थी, सबने देखी, पूरा देश जानता है। अभी भी बाय ये चुनाव भी व्यस्त है। अब देखिए बहुत कुछ अभी खुलेगा, कुछ दिन सबर कीजिए गौरव जी, बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे क्योंकि जहाँ सम्मान नहीं मिलता है बड़ों को। अच्छा। तो बड़े तो अपना किनारा कर लेते हैं, भी छुए जा रहे हैं, गले भी लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक स्टंट है। अच्छा, ये तमाम होते रहते हैं। बहुत धुर विरोधी लोग जाकर ये वोट नहीं मिल रहा है मुझे, इनका जानते नहीं मिल रहा है, लेकिन पैरों पर गिर पड़ते हैं। एक सामाजिक तौर से दिखाना और ये बताना कि देखिए हम आपका सम्मान कर रहे हैं, ये सब देखिए दिल से और दिखावे में जमीन आसमान का अंतर होता है गौरव जी। अच्छा। मैं जुबान से क्या कह रहा हूँ, मेरे दिल में क्या है, ये बहुत बड़ा फर्क है। या तो ईश्वर जानता है या इस करने वाला जानता है कि मक्कारी कर रहा है या ईमानदारी से कर रहा है। क्या कह रहे हैं भैया सपा के लिए? तो आप ये और दूसरी एक ये पटकथा 2024 की भी हो सकती है। अच्छा। 2024 की इसलिए है कि बहुत साफ मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में बहुत पुराने नाजायज संबंध है जो आज तक चले आ रहे हैं। बहुत क्लियर बात है, समझ में नहीं आया आप सुन लिए, सुन लीजिए, सम्मान बोल दिया आपने सीधे। अरे आप सुन लीजिए, मैनपुरी की सीट इतने प्रचंड बहुमत से जीतना अपने आप में ही एक अच्छा हाँ बहुत बड़ी बात है। बाकोबर दे दिया है
सीधी बात है, देखिए आजमगढ़ में, रामपुर में जब उन्होंने वॉकओवर दिया अच्छा। तो लोकसभा सीटों पे तो भाजपा तो आप बताइए, चलिए गौरव जी मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, जिस तरीके से रामपुर और आजमगढ़ में सपा चुनाव लड़ी, क्या वास्तव में चुनाव लड़ने का तरीका था, या जिस तरीके से मैनपुरी में भाजपा चुनाव लड़ी, क्या यही चुनाव लड़ने का तरीका था? प्रचार करने नहीं जाएंगे तो आप? हाँ बस यही तो, आपने बहुत अच्छी बात कह दी, हमारे सवाल का जवाब आपने दे दिया कि वो वॉकओवर उन्होंने नुमा दिया था, इन्होंने यहाँ दे दिया है। अब चचा भतीजों का मामला ये है, भारतीय जनता पार्टी के ही इशारों पर चल रहे हैं, तो ये मान ये 2024 की पटकथा लिखी गई। हाँ हाँ, तो मुख्य विपक्ष में है, लेकिन विपक्ष कहाँ है, सड़क पर तो दिखता नहीं है, सिर्फ चुनाव विपक्ष में है या सदन के अंदर विपक्ष में, बाकी सड़क पर कहाँ है आप बताइए? कोई आंदोलन, जैसे हमारे अंकुर जी कह रहे थे किसानों के लिए आंदोलन किया, हम मान लेते हैं, जो बात थी जायज कि जैन जी ने वास्तव में मेहनत करी, जैन जी मुंह में अंगोछा लपेट करके जैसे पहुंच गए, अखिलेश जी ने ऐलान कर दिया था, उनका घर घेर लिया गया, वो अरेस्ट हो गए। तो देखिए कहने, अभी हमने क्या कहा, दिल से और जुबान से बड़ा फर्क होता है, करने में, कहने में, कथनी और करने में बड़ा फर्क होता है। यकीनन वो जो मुलायम सिंह जी जैसे थे, उन्होंने तुरंत आंदोलन की अगर घोषणा कर दी, सड़क पर होते थे और पूरी सरकार की ईंट से ईंट बजा देते थे। वो अखिलेश में ना क्लेवर है, ना वो कलेजा है, ना वो क्षमता है, ना अखिलेश की वो जुबान है कि जो कर पाए। हाँ शिवपाल में थोड़ी बहुत है भी, लेकिन वो इस्तेमाल करके बाहर निकाल देते हैं। अब 2024 की चुनाव की जो पटकथा है गौरव जी, मैं अभी से बता दे रहा हूं, ये सिर्फ वोट डिस्टर्ब करने के लिए, और विशेष तौर से एक बड़ा समुदाय देश के अंदर जो सेकंड ग्रुप में है उसका वोट बट उत्तर प्रदेश में खराब करने के लिए ये पटकथा 2024 की लिखी गई है। गौरव जी, ना आप दूर है ना हम दूर है, आने वाले साल बाद आपको ये पता चल जाएगा क्लियर होना क्या है। बहुत साफ बात है। और राष्ट्रीय दो लोक दल के बारे में कुछ ज्यादा कहना ही चाहता, जो उन्होंने अंकुर जी ने एक बात कही थी, मैंने उसकी तायद कर दी है, मैंने उसकी सहमति दे दी कि हाँ उन्होंने आंदोलन किया किसान आंदोलन को लेकर के, और जिसका उन्हें फल मिला, एक सीट जो जीती है, बाकी एक सीट जीती जो ईमानदारी जीती है वो है खतौली की, बाकी रामपुर वाली तो खुली बेमानी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं, बल्कि बेमानी का छीनी गई है वो सीट। या अगर हम दूसरे शब्द बदल कर ये कह दें कि आजम खान की वो सीट थी, आजम खान नहीं चाहते थे कि दूसरा जीते, कल उनके आने वाले टाइम में उनके लिए एक समस्या पैदा हो, तो ये भी मुमकिन है, वो सरेंडर कर गए। देखिए राजनीति है गौरव जी, ये और राजनीति को एक पत्रकार ही अच्छा समझ सकता है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ, तो ये भी मुमकिन है कि छिनवाई गई, लेकिन ये भी सच्चाई है कि वो उन्होंने वहां वॉकओवर दिया, तो उन्होंने यहाँ दिया, लेकिन खतौली एक सीट ईमानदारी की है जो लोकदल ने जीती है। हाथों में खेल रहे हैं बीजेपी के सारी चीजें के लिए, वो केवल स्टंट है, चुनावी स्टंट है, यहाँ जुड़ा हुआ है, 24 के बाद फिर अलग हो जाएगा, केवल जनता को बेवकूफ बना रहा है, बाकुबर दे रहा है बीजेपी की तमाम बातें कहीं सपा के लिए। जी देखिए आमिर साबरी जी बड़े पत्रकार है, और मेरी एक शुरू से परंपरा रही है, मेरी अपनी जो व्यक्तिगत बात मैं कहूँ, आप भी जानते हैं गौरव भाई जी, मैं पत्रकार की कलम और पत्रकार के शब्दों पर कभी कटाक्ष नहीं करता जी, क्योंकि पत्रकार इस देश के लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में एक ऐसा स्तंभ है जिसकी बातों में अगर आलोचना भी हो तो नंदक नियेले राखी आंगन कुटी छवाए, मैं उसकी सिद्धांत को मानता हूं। अगर वरिष्ठ पत्रकार हमारे कुछ कह रहे हैं तो उसमें जो आत्मसात करने योग्य होगा, मैं अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी निवेदन करूंगा कि उसको आत्मसात करते हुए हमारे वरिष्ठ पत्रकार की बातों से कुछ मार्गदर्शन लेते हुए उसपे कार्य आगे क्रियान्वित किया जाए, रणनीति बनाते हुए। अब जब बात हो रही थी इस सरकार की उपलब्धियों की या इस साल की, तो अगर गौरव भाई आप मुझे समय दें तो मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर दूं, क्योंकि आंकड़ों की बाजीगरी में बड़ी माहिर सरकार रही। एनसीआरबी के अनुसार 2012 से 17 तक जब समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी की सरकार थी, जब मुख्यमंत्री थे, जो कि ये कहते हैं गुंडों की सरकार, चलिए ठीक है, आज मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं आंकड़ों से, एनसीआरबी के आंकड़े दे रहा हूं। हर साल आईपीसी की धाराओं में अपराधों में 237,821 मामले दर्ज होते थे औसतन, अच्छा, जब तक हमारा कार्यकाल था। जैसे ही योगी सरकार आती है, इनके आते ही आईपीसी की धाराओं में हर वर्ष ये वृद्धि होते हुए 340,170 मामले हो जाते हैं, तो अपराध घटे नहीं है, अपराधों में वृद्धि हुई। इनकी सरकार के आते ही सबसे पहले महिलाओं से जुड़े अपराध में, बलात्कार में जो वृद्धि हुई है उसका आंकड़ा 50% से ऊपर है एनसीआरबी के अनुसार। अच्छा, 2018 से 20 तक मात्र 3 साल में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध 36,467 मामले, दलितों के प्रति 42,747 में, यूपी में 11,924 मामले अकेले उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा। अच्छा, और 2019 में पूरे देश में 45,876 मामलों में अकेले उत्तर प्रदेश में 11,829,
और 2020 में यही आंकड़ा 50,202 पूरे देश में जो मामले होते हैं दलितों के, उसमें 12,714 अकेले उत्तर प्रदेश। अच्छा, और सबसे बड़ी बात सुनिए, आपको इससे भी बड़ा आश्चर्य होगा, पूरे देश में मानवाधिकार से जुड़े मामले में उत्तर प्रदेश नंबर वन, मानवाधिकार के हनन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर, मैं आपको साल बार बता देता हूं, देश में पूरे 64,170 मामले जो आते हैं वर्तमान, उसमें 21-22 में 24,242 केवल उत्तर प्रदेश, 18-19 में 41,947 मामले मानवाधिकार के हनन के उत्तर प्रदेश में, 19-20 में 32,693 मामले मानवाधिकार के हनन के जो बड़े आंकड़े पेपर रोड पर नहीं है। नहीं नहीं, ये सारे एनसीआरबी के आंकड़े, मैं कोई अपने आंकड़े नहीं दे रहा हूं, पार्टी इनकी पार्टियों की इनके बड़े-बड़े आंकड़े बना करके प्रेषित कर दिए जाते हैं, ये सब एनसीआरबी के आंकड़े, और सुन लीजिए मेरी बात आ जाए, बात तथ्यात्मक हो रही है, तर्कों से होना चाहिए। सबसे बड़ी बात 2018 से 31 अक्टूबर 2021 तक 40% की वृद्धि के साथ मानवाधिकार के हनन में उत्तर प्रदेश देश का नंबर एक राज्य बनता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने इंडियन मुस्लिम लीग के सांसद अब्दुल समद सबानी को एक आंकड़ा और प्रस्तुत किया। अच्छा, जो कस्टोडियल डेथ की बात होती है, पिछले 2 वर्षों में 952 मामले के साथ उत्तर प्रदेश नंबर एक। सबसे बड़ी बात, 2021 में 451 मामले, 21-22 में 501 कस्टोडियल डेथ, और जम्मू कश्मीर जो ये वावाई रूट से एनकाउंटर के मामले में सबसे ज्यादा एनकाउंटर जम्मू कश्मीर, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरे मामले में उत्तर प्रदेश आता है, जो कि हमेशा ये कहते हैं कि एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश नंबर वन है, अपराधियों का सफाया कर। उसका कारण हो सकता है, अच्छा, जम्मू कश्मीर आतंकवादी और माओवादी इस तरह के समस्याओं से जूझ रहा है, तो ठीक है, वहां सुरक्षा बल ज्यादा क्रियान्वित है। छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं नक्सली और माओवादियों से घिरा प्रदेश है, वहां पे भी सुरक्षा बलों को अधिक वो करना पड़ता है एक्शन, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, लेकिन जिस तरह से ये पिक्चर प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, आज यही कारण है कि मानवाधिकार के हनन में उत्तर प्रदेश के मामले में नंबर एक, पिछड़े वर्ग के मामले में नंबर एक, भाई अपराधी को फूलमाला पहनाएंगे क्या, बुलडोजर चल रहा है, अगर उनका एनकाउंटर हो रहा है, लोगों की हत्या किए बैठे हैं, 20-20 मुकदमे उनके ऊपर है, गैंगस्टर उनकी लगी है, और पुलिस पर अगर जवाबी फायरिंग करते तो एनकाउंटर कहाँ वाजिब नहीं होता। कस्टोडियल डेथ को, नहीं नहीं, आप एक पत्रकार हैं, कस्टोडियल डेथ को आप अपराधी मानते हैं क्या? कस्टोडियल डेथ जिसको आपने केवल जांच पड़ताल के लिए, पूछताछ के लिए उठाया, उसकी हत्या अगर हो जाती है 2021 में 451 भाई, मैं तो एनकाउंटर की बात कर रहा हूं, की बात नहीं की मैंने ये, नहीं 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 गौरव भाई, मेरी बात स्पष्ट आने दीजिए, विक्रमट होके डिफेंस मत करिए, आप एकदम निष्पक्ष रहिए, निष्पक्ष ही बोलिए भाई, मैंने एनकाउंटर की बात कही जी, मेरी बात आ जाए जी, बोलिए, एनकाउंटर की जो वाहवाही है लूटते हैं, मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे आता है, ये झूठे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, ये केवल और केवल ये दिखाना चाहते हैं कि पूरे देश में सबसे बढ़िया सरकार उत्तर प्रदेश की क्रियान्वित कर रही है, जब आप एनसीआरबी के आंकड़े खोल के बैठेंगे, सारा सत्य खांचा पूरे सोशल डोमेन में है, आप उसको स्वयं देख सकते हैं, आप स्वयं पत्रकार हैं भाई, विवेक भाई इतने आपने आंकड़े गिराए, मैं सहमत हूं, तो अगर इतनी इतनी अव्यवस्था है तो विपक्ष रोड पे क्यों नहीं आता भाई, विपक्ष रोड पे क्यों नहीं आता है, तमाम आंकड़े हैं, केवल ज्ञापन, केवल डिबेट से नहीं होगा, ना ना डिबेट से थोड़ी ना होगा, आप लड़िए, जवाब ले लीजिए, एक बार केवल सदन तक जाने उतरे थे, हाँ, आपने देख ली थी योगी सरकार का सिंहासन कैसे टोल गया था, पूरा शासन अमला लगा दिया था, घर कार्यालय से लेके घर के बाहर से लेके सदन तक, अच्छा, जब ये सरकार इतना डरती है, किसान शांतिपूर्ण आंदोलन करने चले तो लाठी मारते हैं, युवा जाते हैं नौकरी मांगने तो कार्यालय पे, इनके भाजपा कार्यालय पे लाठियां मारी जाती है, अच्छा, मेरा ये पूछना है, आप लाठियों से अगर संचालित करना चाहते हैं अपना कार्यकाल, विपक्ष लाठी डर गया क्या, विपक्ष लाठी डर गया क्या, राहुल जी तो नहीं डरे, विपक्ष लाठी डर गया, अगर विपक्ष लाठियों से, गौरव भाई इसका जवाब तो मैं दूंगा, तो विपक्ष अगर लाठियों से डरा होता तो मैं भी यहाँ नहीं बैठा होता, न सोशल मीडिया से लेकर के जमीनी स्तर तक किसान आंदोलन से लेकर न रालोक के नेता तक सड़क पे दिखाई देते, जितने हमारे सहयोगी संगठन थे, जितने हम थे, कोविड में भी हम खड़े रहे, हमारे सारे कार्यकर्ताओं पे एफआईआर की गई, निकाय जितने हमारे प्रत्याशी थे, किसी के घर के बाहर की सड़क उखाड़ दी, अच्छा, किसी के घर के बाहर पुलिस का पहरा बैठा दिया, अच्छा, अरे जब इतना डर लगता है, केवल सत्ता और सिंहासन की बात अगर करनी है तो विकास की बात कौन करेगा भाई, और सबसे बढ़िया बात है, हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं योगी सरकार को, 2021 के यूपीएसआई के भ्रष्टाचार से लेकर के पहले कार्यकाल के अब तक के जितनी सरकारी परीक्षाओं में अनियमितता इन्होंने की, जितना भ्रष्टाचार किया, उससे कम से कम युवा एकजुट हो गया, युवा एक लामबंद हो रहा है, और आने वाले चुनाव में युवा इनको दिखाएगा कि उत्तर प्रदेश, मैं एक सवाल पूछता हूँ चलिए आपसे, क्या कारण है कि पहले कार्यकाल से अब तक इनकी एक भर्ती
कोई परीक्षा पारदर्शी तरीके से नहीं हुई, हर परीक्षा के पर्चे लीक हो गए, इसका जवाब दे दीजिए जरा। गौरव भाई मैं आपसे पूछ रहा पत्रकार, क्या सरकार संभाल नहीं पाई इतनी जीरो टॉलरेंस, क्या लोगों को दिखाई नहीं दे रहा? एक भर्ती बताइए जो निष्पक्ष हुई हो। पत्रकार उजागर करते भाई, पत्रकार तो दिखाते हैं। मैं तभी तो कह रहा हूँ तो इसीलिए मैंने भाजपा के प्रवक्ता से नहीं पूछा, इसीलिए मैंने आपको क्योंकि आप पत्रकार अगर हर जगह होते तो आज ये सरकार उखड़ चुकी होती। अगर गौरव जी हर जगह होते, हर एंकर गौरव होता तो ये सरकार उखड़ चुकी होती। धन्यवाद आपका। अभी भाई जवाब दीजिए भाई। देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, प्लॉट दुकान मकान लूटने अरे वाले मुद्दा नहीं है, शर्म आ रही है 2021 के यूपी प्लॉट मकान दुकान लूटने वाले अपराधियों को बचाने वाले अपराधियों को शरण देने वाले और भूमाफियाओं को मंत्री बनाने वाले समाजवादी के लोग ये चाहते ही नहीं उत्तर प्रदेश में खुशहाली आए। सरकारी योजनाओं का पैसा हड़पने वाले, चार चार मुख्यमंत्रियों की सरकार चलाने वाले, ये निष्पक्ष की बात करते हैं? चार चार मुख्यमंत्रियों की सरकार चलाने वाले लोग ये सरकार की बात करते हैं? चार चार मुख्यमंत्री और दूसरी चीज भूमाफियाओं को मंत्रिमंडल में जगह देने वाले लोग, ट्विटर पे घर में बैठ के ट्वीट खेलने वाले लोग, ये जमीन पे उतरते तक नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। दुकान मकान लूटने वाले लोग निष्पक्ष योजनाओं की बात करते हैं, उन्होंने न मकान दिया न राशन दिया, स्वास्थ्य सेवाएं दी ना, इन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं दी न मकान दिया न राशन दिया, इस सबका केंद्र सरकार की योजनाओं का। देखिए ये जो निष्पक्ष भर्ती की बात करते हैं, इनके कार्यकाल की हर भर्ती बिना चाचा बिना मुख्यमंत्री बिना चाचा भतीजे गरीबों को योजनाओं का लाभ तक नहीं मिला, गरीबों को योजनाओं का लाभ तक नहीं मिला। पलायन सबसे ज्यादा इनकी सरकार में होता था, गाजियाबाद सहारनपुर मुजफ्फरपुर मेरठ पलायन कराने पे ये लोग मजबूर कर देते थे, लगातार पलायन करती थी, डरी रहती थी उत्तर प्रदेश की जनता। आज महाराज जी का बुलडोजर जब माफियाओं पे चल रहा है इसे बचाने के लिए, जब महाराज जी का बुलडोजर भूमाफियाओं पे चल रहा है, लगातार चल रहा है। इत्र वाले व्यापारी में कानपुर में इत्र वाले व्यापारी पे बुलडोजर चला तब इन्हें तकलीफ हो रही है, भूमाफियाओं पे बुलडोजर चला तब इन्हें तकलीफ हो रही है। अब मैं जवाब दूं कांग्रेस को, कांग्रेस 2024 में हार मान चुकी है क्योंकि इन्हें पता, इसीलिए इन्होंने खड़गे जी को हार का सहरा पहले ही खड़गे जी के सर पे बांध दिया, कहीं ऐसा ना हो कि अब किसे लाए। और राहुल गांधी जी सरकार में रहते हुए विदेशों की विदेश टूरिस्ट यात्रा पे जाते थे। और दूसरी चीज, इनका एक नारा था कि प्रियंका गांधी जी कहती थी कि लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ, तो ये बताइए जब वो बावन साल की हो गई तब उन्हें याद आया कि वो लड़की है और लड़ सकती है? भाई ये बताइए, कांग्रेस की महासचिव ने यह बयान दिया 2022 में कि लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ, जब वो 52 साल की हो गई तब उन्हें याद आया वो लड़की है और लड़ सकती है। अरे भाई क्या भाई क्यों, जिस टाइम पे वो लड़की थी सरकार उनकी थी, जनता दर बदर भटक रही थी, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था, सड़कों पे जमीन पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, स्वास्थ्य सेवा बहलाई थी, बिल्कुल बेरोजगारी चरम सीमा पे थी। इसीलिए उत्तर प्रदेश में नहीं हिंदुस्तान में जब भारत का सपूत केंद्रीय पीएम पद की शपथ लिया तब हिंदुस्तान में खुशहाली आई, लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला था। जिस टाइम उनकी सरकार थी जनता दर बदर भटक रही थी, खड़गे जी को अभी सही सेहरा बांध के रख दिया है, खड़गे जी को अभी सही सेहरा बांध दिया, भुखमरी का सूचकांक देश थी, अरे आपके कार्यकाल में कश्मीर को हमने इंडिया का फ्लैग लहरा के दिखा
लिखा जाए वीर सपूत में कि देखिए कश्मीर भारत का अंग है, हम भारत को बंटने नहीं देंगे। कांग्रेस बांटने की राजनीति करती है, हमेशा बांटने की राजनीति की है। अरे आप राहुल गांधी अभी से ही हार मान गए, सेहरा बांध के खड़गे जी के ऊपर रख दिया। अरे अस्तित्व खत्म होने के बाद, अस्तित्व खत्म होने के बाद आप बिल्कुल खत्म है। जमीनी स्तर पे आप कहीं नहीं गए, मकान नहीं दिए, योजनाएं नहीं दी, गैस सिलेंडर नहीं दिए, बिजली नहीं दी, पानी नहीं दिया। अभी भाई दिया है, अभी भाई आपने कुछ नहीं दिया। अभी भाई भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, हिंदुस्तान में बेरोजगारी चरम सीमा पर थी। हिंदुस्तान में आपके कार्यकाल में बेरोजगारी चरम सीमा पर थी। आए दिन आतंकवादी हिंदुस्तान में घुसते थे। आपकी सरकार में आतंकवादियों को पना मिलती थी। हमने आतंकवादियों को शहीद के सरहद के अंदर आपको आतंकवादी घुस नहीं सकता। आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। आपने अल्पसंख्यक समुदाय को लड़ाने का काम किया, आपने सियासी झगड़े कराए। आपकी सरकार में आपका जुमला है, ये कांग्रेस का जुमला है। आपकी सरकार में आपके पास कुछ नहीं है, विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है। अरे भूख की जीत हुई है, तो मुद्दा ही नहीं है। ठीक है, हो गया। प्रधानमंत्री जी ने आप धूल चटा दी। अरे आप प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए बोल रहे थे, देखना ही नहीं चाहते। आप जनता को खुशहाल नहीं देखना चाहते हो। आप ये चाहते हो जनता दर बदर भटके। कांग्रेस बर्बाद करना चाहती है, हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहती है। उत्तर प्रदेश खत्म हो चुकी है। खत्म होने के बाद आप लगातार हत्या करवा रहे थे, अल्पसंख्यक को लड़ा रहे थे, हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रहे थे। आप हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रहे थे। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। कांग्रेस के पीछे नेताओं ने दिखा दिया, कांग्रेस बांटने का काम करती है। कांग्रेस के नेता जिस तरीके से जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता जिस तरीके से छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस की नीतियों को टुकड़ा रहे हैं, उन्होंने साबित कर दिया कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहती थी। कांग्रेस सिर्फ इस पूरे टूर पे जाना चाहती है। कांग्रेस का कोई मंत्रिमंडल में काम नहीं हुआ। बेरोजगारी चरम सीमा पर थी। आप मीडिया पे आरोप लगाते हो, मीडिया पे आरोप लगाते हो। आपको न्यायपालिका पे हक नहीं है। भाई मुझे लगता है कि डिबेट का अंतिम, ये साल की अंतिम डिबेट है, तार्किक डिबेट होनी चाहिए। इन दोनों ही राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को देख करके मुझे लगता है थोड़ा संशय होगा देश को कि राष्ट्रीय दल के लोग है। बताइए बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। चलिए बहरहाल मैं मुद्दे पे आता हूँ। मेरा दो प्रश्न रहेगा केवल, इसके बाद मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। भाई पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा योगी सरकार के 15-12 की धांधली को भ्रामक बताया जाता है, और मई 2022 के सत्यापन और रनिंग में 168 प्लस अभ्यर्थी, 30 प्लस सेंटर मालिक और 65 प्लस एफआईआर में इन लोगों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज की जाती है, जिसकी जांच प्रश्नित है। इतने बड़े स्तर की उत्तर प्रदेश पुलिस के भर्ती की धांधली पे भाजपा न एसआईटी गठित करती है, न सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, न कोई जांच आयोग बना, लेकिन
चुनाव की बात जब आती है तो आयोग 24 घंटे में तैयार हो जाता है। इससे भाजपा की नियत नीति समझ लीजिए, जिस तरह से ये संस्थाओं में केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। पहली अभी भी मैं कहता हूं कि इस एसआईटी को गठित करिए और पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से योग्य प्रत्याशियों को आगे जाने दिया जाए और जो इस तरह के चयनित अभ्यर्थी जो कि गलत तरीके से चयनित होकर के आए हैं उनको तत्काल प्रभाव से दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ये मेरी मांग है पहली योगी सरकार से आने वाले नए वर्ष के पहले। दूसरी बात, एक बात मैं आपको बता दूं, ये वही सरकार है जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने 15 साल सत्ता से बाहर रखा और जिस तरीके से आपने हर विपक्ष के दलों का असम्मान करते हुए अपमान किया है। एक दो पंक्ति बोलूंगा गौरव भाई, हौसलों से ही मंजिल पाई जाती है, आंदोलनों की आंदोलन की धरती है ये भारत, लड़कर ही सत्याग्रह की अलग जगाई जाती है। तुम मौन धारण कर मुस्कुराते रहना सिंहासन पे बैठ करके, तुम मौन धारण करके सिंहासन पर बैठे रहना मुस्कुराते रहना, मौन धारण करके तुम मौन धारण कर मुस्कुराते रहना सिंहासन पे बैठ करके, हम क्रांति की चिंगारी है दिखाएंगे कैसे सत्ता बंदी जाती है। नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है भाई, आपकी बात लेता हूं फिर। अंकुर भाई, भाई आपने बेबे भाई का सुना किस तरह से उनके अंदर ज्वाला भड़क रही थी। अब यही ज्वाला अगर समाजवादी पार्टी के रूप में रोड पर आ जाए, संघर्ष पे आ जाए बस, तो शायद कुछ परिणाम बदलेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए गौरव भाई, हम लोग विपक्ष हैं और विपक्ष जो है वो एक मुट्ठी के रूप में सत्ता से संघर्ष कर रहा है जी। और निश्चित रूप से हम लोग सार्थक परिणाम लाएंगे, ऐसी हमको पता है कि हम लोग चूंकि कार्य कर रहे हैं, जनमानस इस चीज को देख रहा है और जनता हम लोगों का साथ देगा। अच्छा अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जैसे अभी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो शब्द मुझे एक प्रवक्ता की हैसियत से और एज अ ह्यूमन बीइंग को समझ में नहीं आए और या अच्छे नहीं लगे। आप एक महिला के लिए मान लीजिए उनने एक नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूँ, तो उसपे आप, वो एक पॉलिटिकल नारा है, आप व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज के लिए थोड़ा सा साइलेंट मोड में रहना चाहिए और मुझे लगता है आपको माफी भी मांगनी चाहिए कि आप किसी महिला के ऊपर किस भाषा में तंज कस रहे हैं। मैं तो और मैं बड़ा आश्चर्य में हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं कि वो दुनिया भर की सारी बातें सुना आ रहे हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय से ये नहीं कह पाए कि आप एक महिला के आत्मसम्मान के ऊपर और सम्मान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय लगातार कह रहे हैं कि वो लड़की है लड़ सकती है और 52 साल की एज में आके बोलिए उनके ऊपर तंज कस रहे, तो कहीं ना कहीं गलत माहौल है, इससे गलत मैसेज जाता है भाई, इन्हें माफी मांगनी चाहिए इस चीज के लिए। और मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, बहु बेटियों का सबका सम्मान है, भारतीय नारी का मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन जिन मुद्दों की बात हो रही है उन मुद्दों पे हम बात करते हैं। दूसरी बात ये, अगर हम ईडी सीबीआई जांच एजेंसी अपना काम करती है तो ये बताइए इन लोगों की तकलीफ किस बात की है? वो लोग जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, कोई अगर भू माफिया है, कोई अगर मान लीजिए क्या कहते हैं इत्र माफिया है, तो इनके खिलाफ अगर जांच चल रही है या उत्तर प्रदेश में जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, तो इसमें इन लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहरहाल मैं पूरे भारतीय नारी का सम्मान करता हूँ, उनको दिल से सलाम करता हूँ, मेरी कोई ऐसी भावना नहीं है किसी को ठेस पहुंचे, मगर मुद्दे की बात जहाँ होगी मैं अपना पक्ष रखूंगा। सम्मान तो आपने वैसे ही नारी का किया था जैसे हाथरस में किया था, अच्छा, उन्नाव में किया था, अच्छा, लखीमपुर खीरी में किया था, आपके पूर्व गृह मंत्री जी ने लाके छात्र लाके छात्रा के साथ जो किया था, आपने बाराबंकी में जो किया था, आपने सुल्तानपुर में जो किया था, और ऐसे हजारों महिलाओं के साथ जो किया था, और आपके पार्टी के लोग किसी महिला के साथ सदन में उपहास उड़ा रहे थे, रिमोट कंट्रोल से नहीं चलती, ये भारतीय जनता पार्टी है, कंट्रोल से नहीं चलती, ये कांग्रेस नहीं है, डबल इंजन, डबल इंजन का मतलब है कि वो खराब है, डबल इंजन तो ट्रेन में तभी लगाया जाता है कि एक खंड मान लिया जाता है, मृत्यु मान लिया जाता है, कभी भी ये धोखा दे सकती है, कभी भी ये जनता के साथ धोखा दे सकती है, पूरा मौका मिल गया है, नहीं पहुंच गए, तभी तो डबल इंजन लगाया जाता है, तो हो गया, सियासी तो हो गया, आपका मेन इंजन खराब है, 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 आपका कांग्रेस फॉर्म में ठीक है, हो गया ठीक है।
चौबे जी, चौबे जी हो गया, चौबे हो गया। अंकुर भाई जल्दी बोल, क्या बोला था अंकुर भाई? चौबे चौबे जी, चौबे जी, चौबे जी, चौबे जी, चौबे जी, चौबे जी अभी लूंगा, चौबे जी अभी अंकुर लूंगा। आपको याद आया चौबे जी? लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, बहु बेटियों को सुरक्षित रखा है हमने। चौबे जी, चौबे जी, चौबे जी हो गया। चौबे अंकुर भाई जल्दी बात पूरी करिए, बोलिए जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय लगातार कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई और जांच एजेंसियां काम करती है तो विपक्ष को दर्द होता है। विपक्ष को कतई दर्द नहीं होता है, लेकिन जब ईडी, सीबीआई और ये इस तरीके की कोई सरकारी एजेंसियां जो हैं, ये इनकी नजर में केवल विपक्षी के लोग नजर आते हैं। सत्तारूढ़ दल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका छापे पड़े। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अभी व्यापार कर विभाग के द्वारा निरंतर छापेमारी की जा रही थी और कहा गया था कि बृहद स्तर पे सूचनाएं प्राप्त हुई है कि जीएसटी के लेवल पे अपेक्षित घटना नियमों का पालन नहीं किया गया। तो अब सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप छापेमारी कर रहे हो तो उस छापेमारी के परिणाम करूं क्या निष्कर्ष निकला है, क्या परिणाम निकले, कितने चोर पकड़े गए जिनने जीएसटी की चोरी की, वो आंकड़े भी तो सामने आने चाहिए। आपका आंकड़ा कहीं सामने नहीं आता। अब आपने दिल्ली में मनीष सिसोदिया को आपने अरेस्ट किया, लेकिन उसके बाद उनका कहीं चार्जशीट में नाम नहीं है। तो आप लोग जो कार्रवाई कर रहे हो तो पूर्ण तथ्यों के आधार पर करिए ना, क्योंकि ये जो प्रशासनिक मशीनरी और आप लोगों के बीच सामंजस्य का अभाव है, इसी का दुष्परिणाम उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग को आरक्षण की कीमत पर चुकाना पड़ा है। आप लोगों ने गलत बयान देकर हाईकोर्ट में प्रस्तुत किए हैं। हमारे एक बात में बड़ा जोर दे रहे थे बुलडोजर के ऊपर, हम एक सवाल करना चाहते हैं गौरव जी आपके चैनल के माध्यम से, कि बुलडोजर सिर्फ विपक्ष के लिए है क्या? क्या भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट लोग, अपराधी क्या सत्ता पक्ष में नहीं है? उनका कितने घरों पे, कितनी दुकानों पे, कितनी जगह बुलडोजर चला है, उसकी कोई अगर आंकड़ा हो तो बता दिए। दूसरी एक अहम बात मैं आपको बता दूं, जैसे अभी बात चल रही थी स्वागत की, के स्वागत करते थे जो पुरानी पूर्व पार्टियां सरकारों में थी, स्वागत करती थी। तो इस भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित चेहरा गौरव जी समझ लीजिए कि सुबोध कुमार सिंह की हत्या होती है, उन हत्यारे छूट करके आते हैं, उनका माल्यार्पण पर अगर स्वागत हुआ जाता, स्वागत किया जाता है। तमाम बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब वो रिहा होते हैं तो उनके लिए स्वागत किया जाता है, या अगर वो बंद होते हैं तो उनको बलात्कार, उनको उनके लिए आंदोलन किया जाता है। तो ये तो दोहरे मापदंड गौरव जी ही है, इसको तो कोई मतलब नहीं नकार सकता है। हो गया, आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा थी कि 2022 साल 2022 किसके लिए अच्छा रहा, किसके लिए खराब रहा। अगर हम फिलहाल बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दो महत्वपूर्ण क्षति भी हुई, जहाँ पर 9 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के पुरोड़ा और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ, तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबेन मोदी का 100 साल की उम्र में निधन हुआ। तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए क्षति है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर सियासी बात करें तो धार्मिक मुद्दे भी रहे, परिणाम मिले जुले रहे, कहीं हार का सामना भी मिला तो कहीं जीत की खुशबू भी यहाँ पर महसूस हुई। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर वास्तव में राजनीति को व्यस्त करना है, उसको अच्छा करना है, सुंदर बनाना है, वो लोकतंत्र जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसको व्यवस्थित करना है, उसको विश्वगुरु की तरफ लेके जाना है, तो सबसे पहले जो शुचिता है वो भारतीय राजनीति बनानी पड़ेगी। यहाँ पर रावण सूपनखा तरह के लाजिन तरह के बयानों की पुनरावृत्ति ना होने पाए। अगर वास्तव में संघर्ष चाहिए तो धरातल पर करिए, अगर वास्तव में लड़ना चाहते हैं धरातल पर लड़िए। अगर विपक्ष ही लाठियों से डर जाएगा तो फिर विपक्ष कैसा? अगर जनता ने आपको जनाधार देकर विपक्ष की भूमिका दी है तो हो सकता है आने वाले समय में ये भूमिका सत्ता पक्ष की हुई हो, पर भूमिका तभी बदलेगी जब परिणाम बदलेंगे और संघर्ष होगा, अन्यथा परंपरा जो चल रही है वो चलती रहेगी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि 2023 में मैं तो अपने माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से एक ही बात कहूँगा कि राजनीति भी करिए पर कुछ मुद्दे जनता के भी उठाइए, कि जनता जनार्दन है और जनता के मुद्दों की बात करना भी आपका ही कर्तव्य है। हम जैसे खबरन बीच तो ये बात उठाते रहेंगे, पर शायद विपक्ष को भी ये भूमिका समझ में आए, तभी बदलाव होगा और तभी एक स्वस्थ भारत और स्वस्थ उत्तर प्रदेश का निर्माण होगा। तो बने रहिए, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।